नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में स्वागत है आपका। हम पीएम मोदी की बात करेंगे। पीएम मोदी जो बिहार के चुनाव मैदान में उतरने वाले हैं, 23 तारीख से उनकी रैलियां शुरू हो जाएंगी। एक दिन में चार चार रैलियां होंगी, 23 तारीख, उसके बाद 28 तारीख, और तीन बार वो आएंगे पीएम मोदी और 12 रैलियां करेंगे। इन रैलियों में सबसे खास बात यह भी है कि नीतीश कुमार भी साथ होंगे उनके इन तमाम रैलियों में, तो ये बड़ी बात है। और हम आपको बता रहे हैं कि पीएम मोदी जो है रैलियां करेंगे तो उनके लिए तमाम तरह के इंतजाम लगातार किए जा रहे हैं। मुजफ्फरपुर से जो खबर आ रही है कि मुजफ्फरपुर जिले में जो उनकी रैली होने वाली है 28 तारीख को, 28 अक्टूबर को पीएम मोदी की रैली होगी। आपको बता दें कि 28 अक्टूबर को बिहार में पहले चरण का चुनाव भी होना है, उसी दिन पीएम मोदी आएंगे और मुजफ्फरपुर में रैली करेंगे। मुजफ्फरपुर की रैली से वो 20 जिले के वोटरों को साधेंगे, 20 विधानसभा क्षेत्र के वोटरों को साधेंगे पीएम मोदी। इसके लिए बीजेपी ने पूरी तैयारी कर ली है। अगर मुजफ्फरपुर में अगर पीएम मोदी अगर बोल रहे होंगे तो आप ये नहीं समझ लें कि केवल मुजफ्फरपुर की ही जनता को संबोधित करेंगे, बल्कि उन 20 विधानसभा क्षेत्रों के लोगों से भी पीएम मोदी सीधे तौर पर जुड़े रहेंगे। जी हाँ, ये बीजेपी ने बड़ी तैयारी की है 20 विधानसभा क्षेत्रों में। उन 20 विधानसभा क्षेत्रों में मुजफ्फरपुर से जो हमारे पास जो खबरें आ रही हैं कि उन 20 विधानसभा क्षेत्रों में तमाम क्षेत्रों में एलईडी स्क्रीन लगाए गए हैं। हर इलाके में 5-5 एलईडी स्क्रीन लगाए गए हैं जिस पर पीएम मोदी सीधे तौर पर जनता के बीच जुड़ेंगे। जी हाँ, बीजेपी ने ये बड़ी तैयारी की है और बीजेपी लगातार इन तैयारियों की मॉनिटरिंग कर रही है। बीजेपी के तमाम जो आला नेता हैं दिल्ली से भी आ रहे हैं और इन रैलियों की तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। और इस बीच जो आई है खबर कि 20 जो विधानसभा क्षेत्रों में पीएम मोदी सीधे तौर पर जुड़ेंगे जनता से, जनता उनका भाषण सुनेगी। दरअसल एलईडी स्क्रीन जो है इन तमाम जिलों में लगाए जा रहे हैं, तमाम क्षेत्रों में लगाए जा रहे हैं, 20 विधानसभा क्षेत्रों में लगाए जा रहे हैं। हर विधानसभा क्षेत्र में 5-5 एलईडी स्क्रीन लगाए जाएंगे तो पीएम मोदी को लोग वहां से सीधे सुन सकेंगे। ये बड़ी बात है। और जो बीजेपी ने दरअसल पूरी तैयारी कर रखी है, जो पीएम मोदी की जो रैलियां होने वाली हैं, जो 12 रैली है, 3 दिनों के अंदर होंगी रैलियां ये, तो उसमें जो तमाम तरह के जो है जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने की कवायद बीजेपी कर रही है। और इसमें जो है कहीं ना कहीं बीजेपी जो है पीएम मोदी की रैली में भीड़ जुटाने के लिए, दरअसल भीड़ तो एक्चुअल रैली में भी उतनी भीड़ नहीं जुटाई जा सकती जितनी पहले जुटती थी। पिछले चुनावों में लाखों लाख की जो भीड़ जुट जाती थी, अब ऐसा नहीं हो सकता। पर जो है जो विधानसभा क्षेत्रों के जनता के बीच एलईडी स्क्रीन के जरिए और या फिर सोशल मीडिया के जरिए भी लोगों को जोड़ने का काम लगातार जारी है बीजेपी की ओर से, तो पीएम मोदी की रैली के दिन बिल्कुल दिलचस्प नज़ारा होगा। और बीजेपी ही नहीं, जेडीयू की भी नज़र है कि पीएम मोदी कब बिहार आएंगे। तो 23 तारीख को बिहार में उनका आगमन होने जा रहा है, 23 तारीख को वो रैली करेंगे। तो बीजेपी और जेडीयू दोनों ही नेताओं की नजरें हैं कि पीएम मोदी अगर बिहार में एंट्री करेंगे तो बिहार के सारे समीकरण बदल जाएंगे और पीएम मोदी की तरफ वोटों का झुकाव होगा। दरअसल लोकसभा चुनाव के दौरान इस तरह का नज़ारा देखने को मिला था, जब पीएम मोदी की रैली आ गई थी, उसके बाद किस तरह से सफलता मिली थी आप ये जान रहे हैं। 40 सीटों में 39 सीटें जो है बीजेपी जेडीयू ने झटक ली थी, एलजेपी भी उस वक्त साथ थी, तो ये तमाम सीटें एनडीए ने झटक ली थी। और इस बार भी कुछ ऐसी ही तैयारी की जा रही है कि पीएम मोदी की एंट्री के बाद जो एनडीए का जो है वर्चस्व बढ़ जाए मैदान के अंदर, तो पीएम मोदी की रैली की तमाम तैयारियां सामने दिखने लगी हैं। अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगती है तो इसे ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।